जनपद में संचारी रोग को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है तथा नगर निगम के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, शहर में जितनी भी नालियां हैं उन नालियों पर लगे घास को कटवा दें, वहां पर चूना और मेलाथियन के घोल का छिड़काव करें व एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए। जहां जहां मलिन बस्तियां हैं उन बस्तियों में किंग फार्म का छिड़काव और फॉगिंग कराया जाए ताकि जो भी मच्छर है वह मर जाएं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में 45 से ऊपर की टीम काम कर रही है और पूरे मेहनत के साथ टीम कार्य कर रही है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, ये तेज़ी से पांव पसार रहा है। अभी हम लोगों ने परसों भी एक बहुत बड़ी मीटिंग किया था, सभी हमारे इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र उसमें आए थे और इन सभी लोगों को बताया गया है कि वो तेज़ी से जितनी भी हमारी नालियां हैं वहां पे घास जो आधी निकली उसको पूरा कटवा दें, वहां पर चूना और मेलाथियन के घोल का छिड़काव कराएँ, एंटी लार्वा का छिड़काव कराएँ, जहाँ जहाँ जरा भी सघन बस्तियाँ हैं, दलित मलिन बस्तियाँ हैं उनको चिन्हित कर वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है किंग फॉग का जो है छिड़काव कराया जाए जिससे कि जो भी मच्छर हैं तत्काल ही मर जाएं। तो ये लगातार ये रणनीति बनाकर इसके साथ साथ हम लोग डेली जो है हमारे पास जो 45 से ऊपर इसकी टीम है उनको कहा गया है कि जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ के वीडियोग्राफी भी कराएँ, उसकी फ़ोटोग्राफी भी उनके पास होनी चाहिए और वहाँ के संबंधित चाहे अधिकारी हों चाहे पार्षद जी हों या वहाँ के नागरिक हों उनसे भी हस्ताक्षर करा के लाएँ जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। और इस संबंध में सभी को बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी इस काम में किसी के खिलाफ भी जरा भी लापरवाही की बात सामने आती है तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।